गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, चलो बाळको आजे आपणे हिंदी में आइडियल बुक पूरवानी छे। तो चलो बधाए हिंदी ने आइडियल बुक ओपन करजो। चलो एमा पहेलू सवाल पाठ नंबर छ न्याय में सवाल नंबर एक, इराक की राजधानी का नाम बताइए। चलो नीचे तमने ऑप्शन आपेला छे, जवाब में शू आवशे? अहीं जवाब आपेलो छे डी, तो के बगदाद। चलो अली ख्वाजा कौन था? चलो जवाब लखो बाळको, अली ख्वाजा बगदाद में रहने वाला एक व्यापारी था। त्रीजू, अली ख्वाजा के पास सोने की कितनी मोहरे थी? तो जवाब आवशे 1000। चलो जवाब लखो बी, 1000। चलो त्यार बाद चौथो, अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया। खाली जगह में जवाब आवशे मक्का शरीफ। चलो लखजो मक्का शरीफ। पांच नंबर नो सवाल, अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी कहाँ और क्यों रखने का निश्चय किया? चलो इनो जवाब लखो बाळको, अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र वाजिद के घर रखने का निश्चय किया। अली ख्वाजा मक्का शरीफ की यात्रा करना चाहते थे, वह अकेले रहते थे, इस वजह से उन्होंने यह निश्चय किया। चलो त्यार बाद सवाल नंबर छ, यात्रा के खर्च के लिए ख्वाजा ने खाली जगह मोहरे रख ली। चलो खाली जगह में जवाब आवशे 500 सोना मोहरे एने राखी हती तेनी पासे। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 7, ख्वाजा ने बची हुई मोहरे किसमें रखी? चलो तो एनी पासे जे सोना मोहर 500 सोना मोहर अली ख्वाजा पोतानी साथे लई गयो अने बाकीनी एने सोना मोहर क्यां रखी? एना ऑप्शन छे तिजोरी में, घड़े में, संदूक में के जग में। तो शू आवशे एनो जवाब? घड़े में। चलो बी। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 8, अली ख्वाजा ने मित्र का नाम क्या था? चलो बाळको, अली ख्वाजा नो मित्र हतो तेनु नाम शू हतु? साजिद, हसन, वसीम के वाजिद? शू हतु एनु नाम? तो के वाजिद। तो चलो बाळको लखो एमा डी। त्यार बाद सवाल नंबर 9, ख्वाजा ने तेल का घड़ा किसके घर रखा? चलो अली ख्वाजा ए तेल नो घड़ो कोनी घरे कोनी पासे राख्यो हतो, कोना घरे? तो के अपने मित्र वाजिद के घर। तो चलो जवाब लखो, ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र
वाजिद के घर रखा। चलो सवाल नंबर 10, ख्वाजा ने तेल का घड़ा खाली जगह में रखा। चलो तो क्या तेल नो घड़ो क्या मुक्यो हतो? तो के तो खाने। तो जवाब में लखो तो खाने। चलो सवाल नंबर 11, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? चलो एनो जवाब लखो, अली ख्वाजा ने तेल में मोहरे छुपाई क्योंकि तेल के रंग के कारण मोहरे किसी को दिखाई ना दे। तेल के रंग के कारण मोहरे किसी को दिखाई ना दे, अल्पविराम, और किसी को मोहरे के बारे में पता ना चले। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 12, किसके घर पर दावत थी? वाजिद, हसन, साजिद अने डी अली ख्वाजा। तो जवाब में शू आवशे बाळको? ए शू आवशे? वाजिद। वाजिद के कर दावत थी। तो चलो लखो जवाब में ए। चलो सवाल नंबर 13, वाजिद के घर खाली जगह बनाते हुए तेल खत्म हो गया। चलो तो शू बनावता तेल खत्म थई गयू? तो के पकवान। चलो जवाब में लखो पकवान। चलो सवाल नंबर 14, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? चलो एना जवाब में लखो, वाजिद के घर दावत के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाते समय तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो जाने पर और बाजार बंद होने पर उसकी पत्नी के कहने पर वह बर्तन से जब तेल निकल रहा था तो सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाला तो मोहरे का पता चला। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 15, अली ख्वाजा के पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई? चलो एना जवाब में लखो, मक्का की यात्रा से वापस आने के बाद ख्वाजा तेल का घड़ा वापस लेने वाजिद के घर गया। घड़ा लाकर जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसमें सोने की मोहरे नहीं थी। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलो त्यार बाद 16वां सवाल, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? चलो एना जवाब में लखो, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल के साथ उसमें रखी
ख्वाजा ने मक्का से लौटने के बाद घड़ा ला कर देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। मोहरों के बारे में उसने वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। चलो सवाल नंबर 70। दोनों मित्रों को झगड़ते देख लोगों ने ख्वाजा को न्याय के लिए कहाँ जाने की सलाह दी। चलो लिखो जवाब। दोनों मित्रों को झगड़ते देख लोगों ने ख्वाजा को न्याय के लिए काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। चलो सवाल नंबर 18। ख्वाजा सबसे पहले न्याय मांगने कहा गया तो बाड़को जवाब शू आवशे तो के बी। कोनी पासे गयो हतो ख्वाजा तो के काजी की अदालत में। चलो पछी छे सवाल नंबर 19। ख्वाजा ने काजी की अदालत में न्याय न मिलने पर बगदाद के खाली जगह के यहाँ अपील की। चलो जवाब मा लखजो खलीफा। चलो 20मो। खाली जगह ने मामले पर विचार करने के लिए समय चाहा। चलो कोने समय मांगियो होतो तो जवाब मा आवशे बाळको खलीफा। चलो 21मो। खलीफा एक दिन अपना खाली जगह बदल कर शहर में घूम रहे थे। चलो शू आवशे तो के पेस बदल कर। चलो 22। खलीफा ने लड़कों को खाली जगह का खेल खेलते देखा। चलो खलीफा ऐसे नो खेल जोयो तो के न्यायालय का। जवाब में खाली जगह में लखो न्यायालय। चलो 23 मू। लड़कों के खेल में न्यायाधीश कौन बना था। जवाब लखो लड़कों के खेल में हसन नाम का लड़का न्यायाधीश बना था। चलो बाड़को त्यार बाद सवाल नंबर 24। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। लखो बाड़को जवाब। खलीफा एक दिन भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते देखा। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने का तरीका उन्हें उचित लगा। उन्हें लगा कि वह लड़का ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को दरबार में बुलाया। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 25।
हसन ने तेल की जांच करने के लिए किसे बुलवाया? चलो बाड़को जवाब लखो। हसन ने तेल की जांच करने के लिए दो तेलियों को बुलवाया। चलो त्यार बाद सवाल नंबर 24। घड़े का तेल कितने महीने पुराना था? जवाब में शू आवशे बाळको? डी 2 महीने पुराना था। ख्वाजा मक्का की यात्रा पर कब गया था? एना जवाब में शू आवशे बाळको? डी 6 महीने पहले। 28। चलो तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? लखो, तेलियों ने तेल को देखा, सूंघ और चख कर बताया कि वह तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे सिद्ध हो गया कि वाजिद ने घड़े से तेल निकालने के बाद उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालते समय घड़े में रखी मोहरे उसे जरूर मिली होगी। उनकी बात सुनकर अली को चोरी पकड़ जाने का डर लगा, इसलिए वह घबराया। चलो बाळको त्यार बाद सवाल नंबर 29। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब लखो, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। वे आसानी से बता सकते थे कि कौन सा तेल कितने समय पुराना है। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेलियों ने सच्चा निर्णय लिया। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अहीं सुधी पूर्ण पूर्यू। हवेथी आपणे आवती कालथी आवता विडियो लेक्चरमां सवाल नंबर 30 थी पुरावीश, बराबर छे? चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आवता फरी विडियो लेक्चर में मळीए।